नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम थोड़े ही दिनों में अपनी खाद घर पे ही कैसे बना सकते हैं और वो भी किचन वेस्ट से। तो सबसे पहले आप मेरा गार्डन देख लीजिए कितना हरा भरा है। तो इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट और अपने किचन की खाद जो भी निकलती है वो ही मैं इसमें डालती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना मुझे अच्छा मिलता है। कोई भी पत्ता मेरा ख़राब नहीं है या कोई भी पीला पत्ता नहीं है। जो भी न्यूट्रिशन मेरी मिट्टी को चाहिए वो सब इसमें मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कम से कम समय में कैसे अपने घर से ही खाद बना सकते हैं ताकि हमें अपनी खाद पे ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि गार्डनिंग कहते हैं कि एक्सपेंसिव हॉबी है। तो हमें ये कम से कम खर्चे में गार्डनिंग करनी है। हमें गार्डन का शौक़ होता है तो इतना खर्चा कभी कभी हम नहीं कर पाते। तो हम कम से कम खर्चे में कैसे अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं और इसके लिए खाद अगर हम घर पे ही बना लें तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो देखिए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये एक मेरी फ्रेंच बीन्स है, अभी एक ही आई है। ये मैंने बाद में डाली थी, अब से 15-20 दिन पहले इसके सीड डाले थे। तो इसमें अभी फ्रेंच बीन्स आना शुरू हो गई, अभी काफ़ी फ्रेंच बीन्स इसमें आएगी। और ये देखिए, एक ये मेरा बैंगन है, आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक भरते वाला बैंगन है। तो मैं आपको अभी रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे और आप हमें कैसे बनानी है। तो ये भी देखिए, एक बैंगन यहाँ पे भी आ रहा है और छोटे छोटे यहाँ पे काफ़ी सारे बैंगन बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी छोटा सा बैंगन बन रहा है और फ्लावर्स भी काफ़ी आ रहे हैं। तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ तभी आपको विश्वास होगा कि किचन वेस्ट से हम अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ भी ले सकते हैं। आप ये भी देखिए, एक यहाँ पे भी बैंगन बड़ा सा है और यहाँ पे भी एक भरता बैंगन बन रहा है और यहाँ पे भी बैंगन है। तो इस तरह से हम काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं अपने किचन वेस्ट से ही। और फ्रेंच बीन्स में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी बन रही है। ये देखिए यहाँ पे भी छोटी छोटी अभी काफ़ी फ्रेंच बीन्स बन रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है। आप इस तरह का कंटेनर ले लीजिए जिसमें नीचे छेद होने चाहिए इस तरह से, और नहीं है तो आप ग्रो बैग भी इसमें ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा गार्डन का वेस्ट निकला था मैंने इसमें डाल दिया था, तो अभी मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। तो देखिए ये मेरी मिट्टी पड़ी है, मैं उसमें डाल दूँगी। यही मिट्टी मैं इसमें डालने वाली हूँ और फिर ऊपर से जो मैंने किचन वेस्ट मेरा निकला है 2-3 दिन का वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो हमारी मिट्टी ले लेगी, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये मेरे मटर के छिलके हैं, हमने मटर अभी स्टोरेज किए हैं तो काफ़ी सारे छिलके इसमें से निकले हैं। तो इसकी ही मैं खाद बनाने वाली हूँ और जो भी किचन वेस्ट निकलेगा मैं उसको इकट्ठा करूँगी, फिर ऊपर के लेयर में मैं इसको डाल के अच्छे से खाद बनाऊँगी। तो आप देख लीजिए, ये सारे मैं छिलके इसमें डाल देती हूँ। अच्छी तरह के अच्छी एक मिनट में पूरा ही डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे मेरे मटर के छिलके हैं। तो मटर के छिलके में काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं, तो मटर के छिलके से जो भी खाद बनेगी वो एकदम न्यूट्रिशन वाली होगी। तो अभी मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर मैं ब्राउन मटेरियल डालूँगी। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो ब्राउन पेपर जो होता है या गद्दा होता है जो हमें कुरियर वालों के वहाँ से पैकिंग में मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास जो भी ब्राउन पेपर है वो आप इसमें डालिए। सूखे पत्ते अगर है तो वेल एंड गुड, तो सबसे अच्छा है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मगर नहीं है तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये ब्राउन पेपर डाल दिया है और अच्छे से दबा लिया है। वैसे मैं क्या करती हूँ कि इस तरह की जो फीलिंग मैंने बताई वो मैं डाल के ऊपर मिट्टी डाल के
मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ, क्योंकि ऊपर मिट्टी डालने के बाद मैं इसमें सीड लगा देती हूँ। तो सीड जब बड़े होते हैं और नीचे पहुँचते हैं तब तक ये हमारा बन जाता है फर्टिलाइज़र, यानी कि खाद बन जाती है। तो वहाँ पे अच्छी अच्छी सब्जियाँ बड़ी बड़ी होती है। तो आज मेरे पास अभी जगह नहीं है तो मैं इसमें फर्टिलाइज़र बना दूँगी ताकि मुझे फ्यूचर में काम आए। तो इस तरह से आपको मिट्टी को पूरा फैला देना है, कहीं पे भी वो हमारा कोई किचन वेस्ट दिखना नहीं चाहिए। अतले इस तरह से आपकी मिट्टी अच्छी खाद बन जाएगी 20-21 दिन में ही, शायद इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। अगर आपके वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है तो और एक वीक ज़्यादा लग सकता है, मगर इतने दिनों में बन जाती है। बस हमें एक काम करना है, ये हमें उस पर डालना है। आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा चीज़ है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मगर आप पोस्ट करके कमेंट ज़रूर लिखना। तो दोस्तों ये है गुड़ का पानी, इसमें माइक्रोबैक्टीरियल काफ़ी होते हैं और जब हम ये मिट्टी में डालते हैं तो माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है वो 10 गुना फास्ट हो जाती है और हमारी खाद फास्ट बनती है। तो हमें इस तरह मिट्टी में इसे डाल देना है। और दोस्तों इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ढके तो अच्छा है, मगर नहीं ढके तो ऐसे ही ये खाद बन जाएगी। तो बस दोस्तों इस तरह से मैं अपनी खाद बनाती रहती हूँ और अपने ये छोटे से बालकनी गार्डन में यही डालती रहती हूँ और मुझे काफ़ी इसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।